के पास या दिनों के काम में होती है वो डेली लगभग संख्या बढ़ती जा रही है, लोगों को काफ़ी बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। आपसे निवेदन यही है जल्दी जल्दी से हरियाणा में कई जगह और रजिस्ट्रियाँ हो रही है, नरेंद्र में भी यमुनानगर में रजिस्ट्री हुई अभी एक दिन हम देख रहे हैं, गुड़गावा में भी रजिस्ट्री हुई है। यमुनानगर में यमुनानगर में जैसे पानीपत साइड की भी एक दो तहसील है वहाँ भी चल रहा था। अगर कराने के लिए मुझे रास्ता है तो मैं करा, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं कोई जीत तो किसान है, किसान ने जिसने अपनी जमीन बेची है, जिसने लोन कराना है, लोन की रजिस्ट्री है, एप्लीकेशन कराने है, वो सब बंद पड़ी है। मजबूरी में अपनी प्रॉपर्टी बेचते हैं, किसी ने अपनी प्रॉपर्टी बच्चों की शादी के लिए बेची है, किसी ने बीमारी के कारण बेची है, किसी ने बच्चों को पढ़ाई के लिए बेची है, तो वो सब लोग हर रोज हमारे पास आ रहे हैं। अभी किसी भी तरह आप ये बात प्रशासन से करें कि रजिस्ट्रियाँ खोली जाए, तो आज हमारी एसोसिएशन ने, प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन ने आगे होकर आज इसमें एक पहल की है कि आज या कल में ही तत्काल रजिस्ट्रियाँ शुरू की जाएं, जिससे लोगों को राहत मिल सके, जिससे लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एसडीएम साहब को आज ज्ञापन दिया, बिनाईगढ़ तहसील और सजावसर तहसील में जो रजिस्ट्रियाँ का कार्य है उसको शुरू करवा दिया जाए। वो जनता को लगभग डेली कभी किसी का फ़ोन, कभी किसी का, किसी ने व्यक्ति की जाति कर ली है, किसी ने इलाज के लिए पैसे चाहिए, किसी ने अपने बच्चे पढ़ाई के लिए बाहर भेज दिए, लोगों का भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, जिसके लिए ज्ञापन आएगी मैडम को दे दिया है और उनसे आज उनके निवेदन करा है और उन्होंने आश्वासन भी दिया है हमारे को भी बहुत जल्दी नयागढ़ में रजिस्ट्रियाँ शुरू करना।